नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय शुभ समय और मैं हूं संत सिंह क्रांति और इस समय हमारे साथ में अजय राज जी पुरोहित है जो इस फैमिली से शुभ समय मीडिया परिवार को या राजपुरी ज्योति को 1982 से संपर्क में है। 2016 की बात है, पहली बार बोरीवल की धरती पर श्री आत्मानंद जी महाराज के नाम का यहाँ पर चौक उद्घाटित किया। उस कालखंड में इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर न भूतो न भविष्यति समाज का पहला कार्यक्रम था और एक स्मृति सदैव सदैव हमेशा के लिए रहेगी, तो हम इस विषय पे भी जानेंगे। लेकिन पहले अजरा जी, आप नव वर्ष की शुभकामनाएं किस तरह से देंगे समाज को? नमस्कार विषय सिंह जी, मैं समाज राजस्थानी समाज को कहना चाहूंगा कि जो आने वाला वर्ष है वो सुख समृद्धि संपत्ति से भरा हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना। और इस वर्ष में मैं राजस्थानी समाज का हूँ या अगर हमारा राजपुरी समाज का हूँ तो इसके साथ साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हाईकमांड ने नाइंसाफी की, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो आने वाला साल है उसके अंदर में हमारे समाज के जो नेता है राजपुरी जी उनको पार्टी को अच्छी पद देकर हमारे उस गलती को सुधार ले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मैं समाज के लिए कहना चाहूंगा कि चारों ओर खुशहाली हो, मुस्कानों से भरा हर पल हो, दीप चले समाज की उन्नति के, आज से भी सुंदर कल हो, आज से भी सुंदर कल हो, ऐसी मैं शुभकामना देना चाहूंगा। चलिए, आज से भी सुंदर कल हो, ऐसी शुभकामना सदैव उनके जहन में रहती है, दिल में रहती है, दिमाग में रहती है, वस्तुतः जीवन में रहती है कि सबका जो है कल्याण हो, विश्व के कल्याण के साथ साथ समाज के काम। ये मुझे बताइए, आपकी आत्मानंद जी महाराज का चौक बोरीवली की धरती पर जिस तरह से 2016 में आपने स्थापित किया और पूरे देश भर के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और एक बहुत बड़ा इवेंट था, इसके पीछे क्या रहा मन में कि आत्मानंद जी महाराज बोरीवली, जिसे प्रवेश द्वार कह सकते हैं एक तरह से मुंबई का, क्योंकि बोरीवली जंक्शन है ऐसे तो विराट प्रवेश द्वार है लेकिन बोरीवली सबक प्रवेश द्वार है, क्या था कि आपके मन में यह आया कि आत्मानंद जी महाराज का जो है यहाँ पर चौक उद्घाटित होना चाहिए? आत्मानंद जी मेरे पिताजी के गुरु थे, हमारे पूरे परिवार के गुरु थे, मेरे भी गुरु थे और उन्होंने राजपुरी समाज के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। बहुत संत महात्मा होते हैं जो सिर्फ अपने जीवन का कल्याण करते हैं, लेकिन आत्मा जी गुरुदेव जो थे उन्होंने ये सोचा कि मेरे जीवन का सिर्फ मैं कल्याण करूं उससे कोई मतलब नहीं होगा, साथ साथ में मेरे समाज का भी कल्याण होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में तन मन धन से झोंक दिया। मैं बताना चाहूंगा जो मुझे दो तीन प्रसंग याद है, एक तो सूरत में जब वो रहते थे काम करते थे तभी उन्होंने देखा कि कुछ अपने समाज के लोग हाथ लारी ढो रहे थे, जिसको जानवर ढोते हैं उसको वो ढो रहे थे, तो उनके मन में पीड़ा हुई, एक वेदना हुई कि हम ब्राह्मण समाज में जन्म लिए हैं, उच्च कुल के हैं और उसके बावजूद हमको ये ढोना पड़ रहा है। उन्होंने तभी उनके मन में संकल्प आया कि मैं संन्यास ले लेता हूँ और अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देता हूँ। और उसके बाद में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। और जो मेरी जानकारी है, जब मैंने पढ़ा है कि जब अपनी शिक्षा के बन रहे थे, शिक्षा के मंदिर जो बन रहे थे हर हेडक्वार्टर पर, सिरोही हो, पाली हो, जालोर हो, इस तरह ब्रह्मधाम कालंद्री हो, तो वहां पर जब जालोर का एक मुझे याद आता है, इंसिडेंट याद आता है कि वहां पर कुछ लोग उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि रात का समय था, गुरुदेव रात के समय में रेती खड़ी और सीमेंट उसको मिला रहे थे। किसने पूछा कि आप गुरुदेव क्यों काम कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि समाज का जो पैसा है वो कुछ बचे, दिन में हम काम करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि गुरुदेव सन्यासी होकर काम करें, इसके लिए मैं रात के अंधेरे में काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से गुरु जी का समाज के प्रति समर्पण था और हम चाहते थे कि मुंबई शहर में उनकी पहचान बने। इससे कुछ ही समय पहले हमारे समाज के शिवानंद जी महाराज जो रविधाम के थे, उनका बोली में एक रोड का नामकरण हुआ था और वो भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। हमने सोचा कि क्यों नहीं हमारे गुरुदेव आत्मानंद जी महाराज मुंबई के प्रवेश द्वार बोरीवली में स्टेशन के सामने जो चौक है, लोकमान्य तिलक रोड, चंदावर रोड और बोरीवली स्टेशन के रोड को जोड़ने वाला जो चौक है उस पर उनको, उस चौक को मुंबई महानगर पालिका की ओर से नाम दिया जाए और उनकी स्मृति को अविस्मरणीय बनाया जाए। इसके लिए हमने हमारे सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है और उसमें जो हमने कार्यक्रम किया था उस समय पूरे देश को जोड़ा था और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पुरोहित समाज का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था। और उसकी मैं छोटी सी झलक आपको कहना चाहूंगा कि कम से कम 10 से 12 हजार लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और जो स्टेज के सामने
तीन सामने की तरफ जो थे कार्यक्रम के जो मंच थे वो तीन बड़े बड़े मंच थे और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर एक मंच पर 60 60 60 तीनों मंचों पर लेकर स्टेज पर ही 180 लोग थे। ये ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और हम गुरुदेव को श्रद्धांजलि दे पाए उसके लिए मैं उनका सत सत नमन करता हूँ, याद करता हूँ। देखा आपने सुना पोषिंतरा परिवार, जहाँ प्रेमराज जी पोषिंतरा जिन्होंने बोरीवली में अपना जीवन खपाया, इस नई पीढ़ी को नौनिहाल किया, तो उन्होंने कहा कि अपना फर्ज बनता है, अपना जो कर्तव्य बनता है समाज के प्रति के ऐसे संत को हम श्रद्धांजलि दे सके, तो यहाँ आत्मानंद जी महाराज का चौक प्रतिष्ठापित किया।